नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। पाकिस्तान का एक बार फिर आतंक समर्थक चेहरा सामने आया है, जहां आतंकी बुरहान वानी की बरसी के मौके पर पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने उस हीरो करार दिया है। गफूर ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बेहतर कल के लिए आज के हीरो अपनी जान दे रहे हैं, और एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वह हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही खड़ा रहता है। आगरा में हुए सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा पहुंचे, जहां उनके साथ परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। अपने इस दौरे पर दिनेश शर्मा ने सड़क हादसे में घायल लोगों से और उनके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की भी बात कही है। अमृतसर के तरन तारण शहर में रहने वाली पीड़ित युवती और उसके माता पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अमृतसर के बलविंदर सिंह ने अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल और उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने मिलकर लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया, जिस पर लड़की के शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में दलहन और तिलहन के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर उसी स्तर पर काम चलता रहा तो दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एग्री पॉलिसी खुद की होनी चाहिए, ताकि किसानों को अलग अलग वैरायटी की उन्नत फसल को पैदा करने में और साथ साथ उसको एक्सपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध करा सके। बहराइच के फकपुर ब्लॉक के रामापुर की डोली गांव में पंचायत उपचुनाव हुए, जहां मृतक पूर्व प्रधान निरंकार के बेटे दुर्गेश कुमार को 56 वोटों से जीत मिली। जीत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने दुर्गेश कुमार को विजयी प्रमाण पत्र देकर रवाना किया। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अब्दुल्ला टूर ट्रैवल के जरिए से हज उमरा काम यहाँ होता है, और यहाँ से सारी सुविधा इंशाल्लाह अच्छी दी जाती है। अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स लाया है सबसे सस्ता उमरा पैकेज। मक्का मुनव्वरा और मदीना की जियारत हो या खाने पीने की सहूलत, रहने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ करवाएंगे मुहैया आपकी सोच से भी कम दाम में। शबाना आजमी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने की वजह से चर्चा में बनी है। अब शबाना के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शबाना को लेकर तीखा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने शबाना आजमी को टुकड़े टुकड़े और अवार्ड वापसी गैंग की नई नेता बताया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकार टायरों के निर्माण में रबड़ के साथ सिलिकॉन मिलाने और टायरों में नाइट्रोजन भरने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, जिसकी मदद से सड़क दुर्घटनाओं को काबू में किया जा सकता है। ऐसे करने से टायर ठंडे रहेंगे और उनके फटने का खतरा भी कम हो जाएगा। राजनीति में एंट्री करने के बाद हरियाणवी गायिका सपना चौधरी ने मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रति भाजपा की भावना को देखकर पार्टी में शामिल हुई हूं। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जो भी काम मिलेगा वह उसे सच्चे सिपाही की तरह करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर किसी का दबाव नहीं था। दिल्ली भाजपा प्रदेश प्रभारी मनोज तिवारी उन्हें बच्चों की तरह स्नेह करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा आज काम आई है। वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में अमेरिका ने नीदरलैंड को 2-0 से हरा दिया, जहां इस जीत के साथ अमेरिका महिला टीम लगातार दूसरी और कुल चौथी बार चैंपियन बन गई। बता दें कि पिछली बार अमेरिका ने फाइनल में जापान को 5-2 से हराया था, वहीं नीदरलैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा रपिनो को सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बॉल मिला।